गुड मॉर्निंग बेटा। कल हमने फ्लावर के बारे में बात की, आज का हमारा टॉपिक है फ्रूट। ठीक है, फ्रूट क्या है आपके पास? राइपंड ओवरी, पकी हुई जो ओवरी पार्ट है, फीमेल पार्ट है ओवरी, जब वो पक जाए आपके पास, राइपंड ओवरी इज नॉन एज फ्रूट। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं? फ्रूट के नाम से। और स्टडी ऑफ फ्रूट आपके पास क्या कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, फ्रूट की स्टडी, डिटेल स्टडी क्या कहलाएगी? पोमोलॉजी। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट की बात करें तो इसके पास दो पार्ट हैं। फर्स्ट है सीड, जो इसे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, तो इसकी डिटेल हम वहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज पेरिकार्प। पेरिकार्प इज द आउटर लेयर ऑफ द फ्रूट। फ्रूट की जो बाहर वाली कवरिंग है उसे नाम दिया जाता है पेरिकार्प। ये आपके पास ड्राई भी हो सकती है और फ्लैशी भी हो सकती है। अगर फ्लैशी पेरिकार्प है, ठीक है, ड्राई नहीं है, फ्लैशी है, तो उसे हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। मैंगो सबने देखा है, ठीक है, मैंगो का जो छिलका उतारते हो एपिकार्प, येलो कलर में, जो उसका फ्रूटी मटेरियल आप खाते हो दैट इज मेसोकार्प। उसके अंदर से जो आपके पास गुठली निकलती है दैट इज नॉन एज एंडोकार्प। और उसके अंदर भी, उस गुठली को कभी बजा के देखना, आपको हल्का सा वो बजता हुआ नजर आएगा, सीड उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ये आउटर लेयर, ये मिडल लेयर जो जूसी है, इनर लेयर विच इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द सीड पार्ट। ठीक है, ये दो फ्रूट के आप ये कह सकते हो कि स्ट्रक्चर में दो पार्ट हैं, एक सीड और एक ये पेरिकार्प। सीड इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिटेल में कर लेंगे। जब हम टाइप्स ऑफ फ्रूट्स की बात करते हैं बेटा, तो दो टाइप्स में, मतलब ये सिर्फ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पॉइंट के बेसिस पे दो पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। वन इज द ट्रू फ्रूट एंड अदर इज द फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ ओवरी पार्ट से जनरेट करे उसे हम नाम देते हैं ट्रू फ्रूट, फॉर एग्जाम्पल मैंगो। फॉल्स में क्या है आपके पास? ओवरी के साथ साथ जो एक्सेसरी पार्ट है वो भी इन्वॉल्व हो जाए, जैसे एप्पल। आप सबने एप्पल खाया है, जो एप्पल का हिस्सा आप खाते हो एक्चुअल में वो थैलेमस पार्ट होता है। फ्लावर में पढ़ा था ना आपने, थैलेमस पार्ट, ठीक है। और उसके अंदर जब आपने एप्पल काट के देखा हो, सीड निकलते हैं उसके बाहर एक व्हाइट सी कवरिंग के साथ, उसके अंदर सीड होता है, दैट इज एक्चुअली द फ्रूट। लेकिन हम जो खाने में काम ला रहे हैं वो क्या है? थैलेमस पार्ट। तो वो क्या है आपके पास? फॉल्स फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। यहाँ क्लासिफिकेशन जो है, सी बेटा, जो तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, उन तीन पार्ट्स को क्लासिफिकेशन ये है फ्रूट के, हमको ये सारे पार्ट्स फ्रूट के पढ़ने हैं। आसान है, एक बार थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन उसके बाद आप हैबिचुअल हो जाओगे, बिल्कुल आसान है, ज़्यादा सा घबराना नहीं। देखिए, फ्रूट को डिवाइड किया तीन पार्ट में, ए बी सी, कैपिटल ए बी सी से हमने रिप्रेजेंट किया उन तीन पार्ट को। वन इज द सिंपल फ्रूट, अदर इज द एग्रीगेट फ्रूट एंड थर्ड इज द मल्टीपल और कॉम्पोसाइट फ्रूट। देखिए बेटा, अगर आपको ये चार्ट नहीं आ रहा है तो आप डिटेल आगे कर भी नहीं सकते। बेसिकली आपको सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए सिंपल फ्रूट, ठीक है। सिंपल फ्रूट के दो पार्ट होते हैं, सबसे बड़ा यही है सिंपल फ्रूट ही, ड्राई फ्रूट और फ्लैशी फ्रूट। देखो, एग्रीगेट फ्रूट के चार ही पार्ट हैं, एटेरियो ऑफ फॉलिकल, एटेरियो ऑफ बैरी, एटेरियो ऑफ एक्ने, एटेरियो ऑफ ड्रूप। इसके दो ही पार्ट हैं मल्टीपल और कॉम्पोसाइट के, वन इज द सोरोसिस एंड अदर इज द सिंकॉनस। सिंपल फ्रूट तीन पार्ट में, सबसे पहला पार्ट सिंपल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हमने रिप्रेजेंट किया है इनके सब पार्ट्स को स्मॉल ए बी सी से, स्मॉल ए ड्राई फ्रूट एंड स्मॉल बी फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट के फर्दर तीन पार्ट हैं, ये इस टाइप से 1, 2, 3 हमने शो किया है, डहिसेंट फ्रूट, चाइजोकार्पिक फ्रूट और इनडहिसेंट फ्रूट। ठीक है, डहिसेंट फ्रूट के फर्दर ये 5 टाइप हैं आपके पास, लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, कैप्सूल और सिलिकुला। चाइजोकार्पिक के आपके पास 4 टाइप हैं, लोमेंटम, क्रीमोकार्प, रेगमा, कैरकुलस। इनडहिसेंट के आपके पास 5 टाइप हैं, एक्ने, कैरियोप्सिस, किप्सेला, नट, समारा। इनको याद करने के लिए क्या करना है आपको? जैसे डहिसेंट, सिंपल ड्राई डहिसेंट, यहां तक तो आप कर ही लोगे, DEH डहिसेंट है, उसमें याद कर लो LFSCS, LFSCS, उसे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी, L से लेग्यूम, फॉलिकल, सिलिकुआ, कैप्सूल, मतलब 2-4 बार इन्हें रीड करोगे तो ये आराम से हो जाते हैं। फ्लैशी फ्रूट की अगर हम बात करें तो उसके ये 7 टाइप हैं आपके पास, बेरी, हेस्पैरिडियम, पैपो, ड्रूप, ब्लास्टुला, एम्फीसार्का और पॉम, दीज आर द 7 पार्ट। ठीक है, दिस इज द चार्ट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है बेटा, ये करना है हमें स्टार्ट। बेटा सबसे पहले फ्रूट में, हम सिंपल फ्रूट में ड्राई फ्रूट का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, उसमें डहिसेंट का। देखिए, सिंपल फ्रूट डेवलप्ड बाय ए सिंगल मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी। देखिए, दो वर्ड हैं सिन और एपो,
यहाँ देखो, सिन वर्ड जहां मिल जाए उसका मतलब होता है फ्यूज, आपस में जुड़ा हुआ, और एपो का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, ठीक है, मतलब एक दूसरे से फ्यूज कंडीशन में नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं। ने क्या कहा कि ये जो सिंपल फ्रूट्स हैं ये सिंगल या तो एक मोनोकार्पलरी, एक कार्पल मतलब फीमेल पार्ट था, एक ही है, या मल्टी कार्पलरी, और अगर बहुत सारे भी हैं तो वो भी आपस में जुड़े हुए, जुड़ के एक बना दें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अगर पार्ट हैं, आपने फीमेल पार्ट कल डायग्राम पढ़ा था फ्लावर में, स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी, या तो वो एक ही पार्ट हो या बहुत सारे भी हो तो वो आपस में जुड़े होके पूरा एक ग्रुप बना दे, तो उसे क्या कहोगे आप, सिंपल फ्रूट। इसमें देखिए फर्स्ट है ड्राई फ्रूट, दीज फ्रूट्स हैव ड्राई पेरिकार्प, जिनके अंदर जो पेरिकार्प है, जो आउटर लेयर है वो ड्राई हो, विच इज नॉट डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स। कौन से थ्री पार्ट्स, ये वाले एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प में जो डिवाइडेड ना हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहोगे आप, ड्राई फ्रूट। और फर्दर इस ड्राई फ्रूट्स को आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, आपके ड्राई फ्रूट्स फिर से तीन पार्ट्स में डिवाइड हुए, ये देखिए, डहिसेंट में, चाइजोकार्पिक में और इनडहिसेंट। सी द डहिसेंट फ्रूट, दे ब्रस्ट ऑटोमेटिकली, डहिसेंट फट जाना, रप्चर हो जाना, अपने आप वो रप्चर कर जाते हैं और डिस्ट्रीब्यूट देयर सीड, और दूर दूर तक उन सीड्स को, अपने सीड्स को फैला देते हैं। इसमें फर्स्ट है, इसमें पढ़ने हमें पांच पार्ट, जिसमें फर्स्ट है डहिसेंट में लेग्यूम, इट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मोनोकार्पलरी, ठीक है, सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी का मतलब क्या है बेटा, इस टाइप से हमने डायग्राम ड्रॉ किया था कल फ्लावर के लिए, अगर ये जो और पार्ट हैं, ठीक है,